हां जी उस टाइम तो सामान लिली क्राफ्ट फूड स्टोर लगाया जेड़ा मेरा स्टोर है आज तो सामान दिखाने है जेप फूड स्टोर मैनचेस्टर रोड पे ये मेरा है ये तो सामान अंदर भी दिखाने है ये सामान किन के आंदा है गाड़ी विच सामान पहला ने अंदर तो सामान दिखाने है जेप फूड स्टोर इधर स्टैंड लगा हुआ है सिरगट से इधर शीशा पेन वगैरह सामने स्लॉश मशीन वो एक घंटा गोला जिधर लिली क्राफ्ट फूड स्टोर ते लगी है टिल लगी है नाल बबलिया शबलिया सामने इसने फ्रिज लगी है वो देख ये फ्रिज में ड्रिंक लगे हैं आज साहब अरे लगे हैं सामान पहला में नाल रिजवान लगा हुआ है इधर फ्रिज फ्रीजर लगा हुआ है आइसक्रीम से इधर चॉकलेटा स्वीटा लगी हैं इधर बेकरी ये पीछे फेरियां शेरियां स्प्रे वगैरह लगी हैं इस तरफ एशियन फूड कुछ थोड़ी जी दालां शालां ते टमाटो केचप वगैरह बीन्स नूडल ऑयल वगैरह ऊपर टॉयलेट रोल शोल इस शेल्फ नोते ए बिलियन खाने ते मिट्टी शिटी पेट फूड इस पासे नीचे ब्लीच वगैरह साहब टेला तो होने इधर पार्सल ना भी काम है एवरी ने पार्सल लगी है थे पार्सल शार्सल भी लोगों ने वैने ये सामान जगह जगह आने के पर सटने ने फिर बाद लासन इधर क्रिप्स वगैरह लगे हैं सारे सेटअप कर सुन ਉਹ ਕਾਟੇ ਲਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸ਼ਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਣਨੇ ਉਹ ਪਰ ਆਪੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਓਏ ਇਹ ਉੱਪਰ ਟਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਛਡੌਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ चलो मैं गया ने इस सामने मिल्क वैसे फ्रिज लगी है मिल्क हूँ आज आंदा ने हूँ ही लाई आया है मिल्क वगैरह लासुन ठीक है आई साहब मैं गया ने जी ठीक है जी अल्लाह हाफिज इधर बाहर निकलो तो सामने मैनचेस्टर रोड है बड़ा ये सामने मोटरवे तो लिया ना इधर तले आना सामने पार के वो फिरने टुरने वास्ते